अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम टू मुंबई में है किचन। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने बैंगन का भरता बनाई हूँ। स्टार्टिंग से एंड तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कैसे बनाई हूँ। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाना, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये आधा किलो बैंगन है, आज हम इसका भरता बनाकर दिखाएंगे। बैंगन का भरता, इसको सबसे पहले हम तेल लगा लेंगे अच्छे से। अब मैंने दोनों बैंगन को अच्छे से तेल लगा दी हूं। अब इस तरीके से हम बैंगन को गैस पे रख के अच्छे से भून लेंगे इसको। अब बैंगन एक तरफ से हो गया तो इसको अलट पलट करके हम पूरा भून कर लेंगे इस तरीके से। अब देखो माशाल्लाह, मैंने अलट पलट करके अच्छे से इसको भून गया है। अब हम इसको निकाल देंगे, गैस बंद कर देंगे और इसको निकाल देंगे। जब ये भून जाता है तो इसकी स्किन अपने आप उतरना शुरू हो जाती है, तो ये स्किन को हमको हटाना है इससे। अब देखो मैंने छिलटे अच्छे से इसके निकाल दी, जो ब्लैक कलर के छिलटे थे वो निकाल कर इस तरीके से हम अब मैंने बैंगन इस तरीके से साफ कर दी हूँ। अभी इसका जो ऊपर का जो डेट है इसको काट के मैं निकाल दी। अब हमने इसका डेट निकाल दिए है। अब इसको फोक की मदद से हम अच्छे से स्मैच कर देंगे। अब मैंने इस तरीके से बैंगन को अच्छे से स्मैच करके ली हूँ। 2 सर्विंग स्पून ऑयल ली हूँ और मैंने 10 से 20 लहसुन की कलिया को अच्छे से चॉप करके ली हूँ। ये डाल देंगे इसके अंदर, इसको अच्छे से सॉटे करेंगे, गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे तो सॉटे करेंगे। लहसुन अच्छे से सॉटे हो रहा है। हमने 5 मिर्ची को, हरी मिर्ची को इस तरीके से चॉप करके लिया है, ये भी डाल देंगे। आपके घर में अगर तेज ज्यादा खाते तो आप ज्यादा डालिए, मेरे घर में ज्यादा नहीं खाते इसके लिए मैंने 5 ही खाली हरी मिर्ची ली हूँ। उसको अच्छे से चॉप करके ली हूँ। अब इसको अच्छे से सॉटे करके लेंगे। अब ये लहसुन अच्छे से सॉटे हो गया है। अब मैंने 4 कांदे को इस तरीके से बारीक एकदम चॉप करके ली हूँ, ये डाल दूंगी इसके अंदर और इसको भी अच्छे से इसमें फ्राई कर लूंगी। इसको भी सॉटे करके लेंगे हम प्याज को। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब अच्छे से कांदा सॉटे हो गया है, बस इस तरीके से ही सॉटे करना है, गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। अब ये जो बैंगन को हमने स्मैच किए है अब ये इसमें डाल देंगे, डाल दिए है। अब इसको अच्छे से इसमें मिला लेंगे। स्लो फ्लेम पर हम 5 मिनट पकाएंगे इसको ढककर। अब 5 मिनट हो गया है, हमारा भरता बनकर रेडी है। अब इसमें कोथमीर डाल देंगे हम और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। बैंगन का भरता बनकर रेडी है, अब हम डिश आउट करके आपको बताएं। बैंगन का भरता बनकर रेडी है। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का बटन दबाओ। अपना बहुत सारा ख्याल रखो, दुआ में मुझे याद रखो। अल्लाह हाफिज़।